अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं जाने लगी हूँ आज ग्रोसरी करने, पूरी वीकली की खुद जा रही हूँ साथ। मैं तुम्हें कहने ना नालों नाल वापस ले जाओ, उदो तुम खड़ते नहीं तो जो ढेर इकट्ठा हो जाता भी इन ही बार पे बोतल हजे कि शापर 5-7 तो हम मैनू भी हम बहर जाके चुकने पैने ना बस लै दे दो बारी करनी मैं सारा दिन चुप रहनी है कि नाल बराबर रेस करनी हुंदी है। वाह किनिया कन हो माशाल्लाह रौनक पे लगी हुई है थाले पे रौनक मारी बोतलों के। चलो जी थोड़ी जी सी फिर उंगलां दिख किन्ने के चुकने हैं तुसी तुसी पहले चुकनो बाकी फिर मैं भेजनी है किन्ने कढ़ांदे तुसी नहीं नहीं मैं भी लेके जानी हां तुसी चुक लो जेड़े इजी चुके जांदे ने। मौसम तो बड़ा ही सही है, एड्डी गर्मी नहीं है आज, मैं लगता कि नहीं हवा चलन दी। चलो बस मैं बाकी ले जानी हाँ। चलो करिए बंद चलो एक मैं ले जानी हाँ। लोगों ने कहना बंदा बोतल टंगिया ਇੱਥੇ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਫੜ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਾ ਚਲੋ ਕੁਮਾਰ ਪੜਨ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ सब तो मुश्किल काम हो गया बोतल वापस करने 10-15 मिनट लगते ना जेड़े। चलो है भाई अज तो शुरू च गड्डी फड़ी गई है, मैं क्या अज तो शुरू तो गड्डी फड़ी गई है। गड्डी नु पता मेरा मालक फसया है बोतल खोलिया अज चाबी कढ़ियो ते इदे नाल खोल मैं इको कढ़वा ला तुसी चाबी विचार ला निकल विचार ला हां जी निकल रख। चलो चलो फैर तो कर दो चलो बाकी रखो आ जाएंगे एक अगे रख लें अगे मैं कह सकता 3-4 पिछे बैक साइड रख लें तुसा दे हाँ कर लो बाहर जगह है जी तो फिर क्यों इन्ना तंग होना वे पिछला बुआ ना खोलना पड़ेगा। अच्छा बड़ा भारा बुआ मैं कर देनी है काम हां है ताला तो खोलिया नहीं मैं सियाने बुआ फिर फड़ाई जा मिनो 2-3-4 से आ ही जाने हैं तुसी तो 2-3 कीता लंगर दा ही खोल छड़ियां फिर एक मिनट डिग जाने थल्ले कंडा ही खोल छड़ियां तुसी जी बहुत हेलो तुस केड़ी गल ऐनक ला ली बाबू शाबू बन के ਲੱਭੀ ਉਥੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੱਭੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਝੂਠੀ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਬਣੇ ਬਾਬੂ ਸ਼ਬ ਬਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਲੈ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਸਮੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ 157 ਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਭਰਵਾਉਣਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਭਰਵਾਉਣਾ ਫਿਰ 117 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ 157 ਤੋਂ 117 ਦਾ मतलब 10-15 सेंट जो
चले जी आज ना हम जहाँ जाते ना वहाँ नहीं जा रही, मैं दूसरे गाँव जा रही हूँ। यहाँ पे ना दो तीन एक्स्ट्रा मार्केटें होती थी, लेकिन ऐसा किक मार्केट जो फेवरेट वाली होती है ना, बंदा चस पूरा करने लिए किक टैडी चले जाता है कि चलो शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी से पैसे लगते हैं और चस जो होता है ना हमारा विंडो शॉपिंग करने का या थोड़ी सी शॉपिंग करने का या थोड़े से पैसे लगाने का, वो वाली हमारी फेवरेट दुकान थी। यहाँ पर किक थी तो मैं उसके चक्कर में यहाँ पर आई हूँ दूसरे गाँव में कि इतों मैं सौदा लैके जानी है, लेकिन वो की कहते हैं बंद हो गई है, हूँ पता नहीं कितों खुलनी है। वो तो पहले ही निकली है, सिक्का नहीं पाना पे है ना, मैं कि सिक्का नहीं पाना पे, पहले ही खुली सी। चलो चलो जी। असी नॉर्मल पानी जो है ना वो हम करते हैं लीडल का यूज़, लेकिन आज हम आल्डी में आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो बोतलें वापस करने वाली मशीनें होती हैं वो दो हैं और वो अंदर हैं, बाहर नहीं है। बाहर होना फिर गर्मी लगती है। असं सोच समझ के असं इस मार्केट च आए हैं क्योंकि इसमें दो मशीनें हैं, हम दोनों मिल के ना बोतलें अंदर डालेंगे, जो सब तो मुश्किल काम है क्योंकि असं नहीं, असं बहुत घट करी दा, नॉर्मल ये बच्चे करते हैं, उनको शौक भी बड़ा है बोतलें अंदर डाल के पैसे निकालने का, लेकिन बच्चे पता ही करते, मैं हिसाब लाया आप ही बोतल वापस करनी चाहिए क्योंकि हमारी तो जो बोतल वो महीने डेढ़ की होती हैं और 50-60 यूरो बन जाती हैं, एवं नहीं बच्चे पाँच पाँच बोतल वापस करते, मैंने आज हिसाब लगाया जल्दी जल्दी करके निकली टाइम लग गया है। मैं क्या इतने कोल के नाल पानी घर छड़ा है, इतों तुम निकलो तो इतों पानी लै लो, बड़े चलाक ने आ रहा पानी की जगह होर होंगी है। अच्छा मेरे मियाँ साथ आए आज, उन्होंने अज नहीं, उन्होंने दो तीन दिन तो मसला हो कमर च दर्द ना, पिछे उन्होंने दूर मुक्का रखा हुआ, पाकिस्तान में होते थे बचपन में मुक्का लड़के ज़्यादा वो गेम खेलते थे, मुक्का रखना जिसका मुक्का कमर से हट गया उसको ठा मुक्का या पड़ता था, तो आजकल इनका ये हाल हुआ। तो मैं पर्चियाँ दिखा रही थी हमारी 50-60 यूरो ना ऐसे ही बन गए बोतलों के साथ, तो मैं क्या चलो हूँ फटाफट जेड़े ना उसे ग्रोसरी रख ली। मैं तो नान वहां दी है ना इंडियन नान ने क्या कहते गार्लिक लहसुन कहते गार्लिक नान है, मैं लेके जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, इनका चेक करती हूँ, इसकी बड़ी मैंने मशहूरी सुनी थी, बड़ी इसकी वो खा मशहूर है, मतलब कि इसके बड़ा रोला पड़ा हुआ है, तो मैंने उठा के ले गई हूँ। मैंने कहा चार पीस हैं, बच्चे तो अगर टेस्ट करेंगे उनको अच्छे लगेंगे तो फिर ठीक है एमरजेंसी में ले सकते हैं आप। तो खैर यहाँ पे मैं शहद लेनी है, ये नहीं गर्मी में शहद की क्या ज़रूरत है, बस फेस मास्क जब बनाते हैं ना उदो मैंने यदि जरूरत पैंती है, फिर मैं पूरी शीशी चुक ली। तो खैर मेरे मियाँ यहाँ पे ना कोल्ड काफ़ी ढूंढ रहे थे, हालांकि इन्होंने ज़रा पसंद नहीं है, बस एवं शोखी मारा एवं शोखी मारने लिए वेखन से कि मैं उठा लूँ। तो खैर ये यहाँ से ना चले गए हैं कि मैं जल्दी जल्दी इधर ना वीकली आती हैं चीज़ें, घर की चीज़ें, कपड़े जूते या इनके जो मनपसंद मर्दों की चीज़ें वो मैं पेचकस वगैरह, तो ये इधर मुझे कह रहे थे कि तू चीज़ा वेख अपनिया, तो मैं जाके ना चेक करके आता हूँ रिगाल, तो वो गए हैं फिर वापस आ गए। मैं फटाफट ना आल्डी में काफ़ी ऐसे फल लगे थे जो सस्ते हैं, मैंने कहा चलो यहाँ से हर किस्म का फल लूँ क्योंकि फल और जो सलाद है ना आजकल बहुत खाया जाता है, क्योंकि खाना नहीं खाया जाता जितनी गर्मी है ना, बच्चों को सलाद और फल काट के दे दूँ बड़े शौक से खा रहे हैं, लेकिन इतने शौक नहीं खाते थे, लेकिन आजकल इतनी गर्मी है कि बच्चों तुम इन चीज़ा ठंडियाँ करके काट के प्लेट च रख दो ना कुछ। मैं इसलिए भी लेके जा रही हूँ क्योंकि लुकमान पड़ता है उसको फल या सब्जियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैंने अब उसको ना ये बना लिया सूल, मैंने कहा मैं छोटी सी प्लेट बना के ना उसके बाउल कभी सलाद का भेज देती हूँ, उसके डिश के रख दो, कभी फ्रूट का भेज देती हूँ, कभी नट्स का भेज देती हूँ। तो मैंने देखा रात को जब मैं ऊपर जाती हूँ ना कुछ एक आधा पीस बचा होता है, इसका मतलब है कि वो खा रहा है। तो मैं इन्ना हादसा भी आता है, गुस्सा भी आता है कि बंदा पूछे आ मुँह से ला सकते कि मामू मुझे ये दे दो वो कौन सा फल आपने काटना है या सब्जियाँ आपने काटनी है देने या काटने तो मैंने ही है। मैंने कहा ट्रिक चंगा है क्योंकि वो इतना पढ़ता है सारा सीधे सारा दिन कमरे च रहता है, तो अब मैंने तीन स्टेप लिए हुए हैं, नट्स उसके ठिश भी रहते हैं
फल मैं भेजती हूँ, फिर दो तीन घंटे के बाद उसके मैंने ऐसे कोई कुछ सैलड बना के भेज देती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इसलिए मैंने काफ़ी सारा ले लिया कि ताकि जो वीकेंड है ना वो आराम से इजी गुजर जाए, क्योंकि आलू प्याज भी इन्ने महंगे सच्चे। मैं हंस रही थी, मैंने कहा आए हाय आलू, मैं शायद आती बहुत कम हूँ, यही लेके जाते हैं ना सामान वगैरह घर का, मैं कम ही आती हूँ। तो मैंने आज देखा 3.5 यूरो के आलू, 3.5 यूरो के प्याज, सच्ची पूछो बहुत महंगे, क्योंकि मैंने जो देखा 1.5-2 यूरो के पैकेट आ जाता था। इतों मैं हूँ आइसक्रीम वेखन दे, लेकिन आइसक्रीम बिल्कुल एवरी अच्छी नहीं लगी, बच्चे वाली नहीं खाते, खरे अगू जाके वेखनी है कुछ। मैं भी आखिया चलो मैं भी झाती मार ला रिगाल जगह कुछ आया वे, तो ये टायर्स वगैरह आए थे लेकिन फिर भी नीचे से टांगे नजर आने थी, शॉर्ट्स वगैरह थी फुल नहीं थी, मैंने आफे क्लिन थी मैं ली नहीं है, ये इनकी आए हुए सैंडल मैंने लिए नहीं है, मैंने कहा तो बंद चिड़चिड़ जी यूज़ की ना चिड़चिड़ यूज़ की वही ख़राब हो जाती है। अच्छा बैग लगे, बैग वेखने एवं हसरा जाग पी ये ले ना लें, कब पाकिस्तान जाएंगे तब काम आ जाएंगे, तो ऐसे ना मेरे मियाँ इतों नुक्स कड़ के ना वह गए ने कहते एडा वा बैग है, जिदू भी तुम टिकट लेंदे 23-25 किलो समान आता बाकी खुल खाली रहना है, तो छोड़ दो। मैंने इन्ना हादसा भी आया, मैं मैं बड़ा लैन टुरी हाँ, मैंने आज बड़ा सारा दिल निकाल के कोई रख ही लिया हाथ के ले लूँ, तो आपने मुझे रोक दिया। नॉर्मल अगर मैं ना कहती ये हाथ रखते मैं मना करती, उन्होंने उठाना ही उठाना था, ये पता नहीं कहाँ की बात है। ये मर्द जो है ना मियाँ साहब जिनके भी हैं मुझे बताना कि जेड़ी चीज़ तो यह हाथ रखना से मना करिए कि घर है वे या नहीं लेनी, लेकिन ये आप इधर नज़र करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी वैगन में वो चीज़ पड़ी होती है। मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा हाय मैं मना करके भी आऊँगी, ये घर में है ये यकीन ही नहीं करते, मैनू नहीं समझ आती मेरे मियाँ ऐसे हैं कि आपके मियाँ भी ऐसे हैं, लेकिन मैं बैग क्या फस्ट टाइम के लै लिए कभी जरूरत पड़ सकती पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये खुला ही एडा वा साइज है तो 23-25 किलो तो वाद हो जाना मैं तो फायदा कि खाली रहना। मैं क्या अच्छा चलो ठीक है मैं रख के आ गई हूँ, अगर ये होते इन्होंने बैग लेके आना था। खैर इतों चीज़ा कुछ ना ग्रोसरी करते हो, शुक्र अलहमदुल्ला नज़र ना लग जाए, तो तुम भी ना दुआ कर दिया करो, मैं बड़ा ही यकीन नज़र लग जाती सची पुछो, क्योंकि कुछ ऐसे इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो आपकी चीज़ों से मैं क्या करूँ मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ना वो नज़र लगती है, ये हकीकत है। तो आप ना प्लीज़ जब मेरी वीडियो देखते हो ना तो थोड़ी दुआ कर दिया करें मेरे मियाँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, कि जो ऐसी नज़रें हैं वो दूर रहें, बड़ा डर आता है, बड़ा ही डर आता है, तो अल्लाह ताला इस शर से सबको बचाए। चलो जी ग्रोसरी असी कर ली, पानी असी दूसरी मार्केट लेना वे, तो काफ़ी टाइम लग गया, बोतलों वापस कर जाइए ना उदू बहुत टाइम लगता है, तो कर लेंगे ना वापस। चलो जी असं हम रखिए अपना समान वापस, तो पानी ले गए हमें रखनी है गड्डी समान, तो तुम ना इतने मैं दवो इजाजत है, दवो इजाजत मैनू। चलो जी कल वापस आवेंगे, तो याद रखो, अल्लाह हाफिज़।